हाँ भाई दोस्तों, पाकिस्तान की हार देख देख कर अब तो इतने आदी हो चुके हैं कि हर बार पाकिस्तान को सपोर्ट करने इसी सोच से जाते हैं। मैं आखिरी बार आया हूँ। ये हर दफा की तरह आखिरी बार आखिरी बार आखिरी बार। यार क्या करें, मजबूर हैं, क्या करूं मैं, क्या करूं इसका, क्या करूं। प्यार जो इतना करता हूं इससे, तो पाकिस्तान की टीम जो भी है जैसी भी है अपनी तो है ना, क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई ना गैस बिजली ना पानी फिर भी दिल है पाकिस्तानी, तो यही वाली कहानी है। तो पाकिस्तान की टीम के अभी भी चांसेस है। पहले तो मैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बात कर लूँ कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में दोनों की बैटिंग नाकाम रही। इंडिया ने कुछ कुछ ना कुछ कर करके 230 रन का टारगेट दे दिया था, लेकिन वो इंग्लैंड वो भी चेस नहीं कर सका। इंग्लैंड का इतना बुरा डाउनफॉल आया है कि अपनी टीम भी अच्छी लगने लगी है, यकीन करो। तो इंडिया ने बहुत कमाल की बॉलिंग की है, ज़बरदस्त बॉलिंग की, और इंग्लैंड को मतलब चारों खाने चित किया। और जबकि वो बहुत स्मॉल टारगेट था, चेजेबल टारगेट था ऐसी पिच पे। तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है इंडिया। और जब हम सिनारियोस की बात करते हैं कि भाई अभी भी पाकिस्तान के चांसेस हैं सेमीफाइनल के, तो वो ऐसे हैं क्योंकि कुदरत का निज़ाम तो आपको पता है ना कि हिस्ट्री चलती हुई आ रही है कुदरत के निज़ाम की, कि हमेशा कुदरत के निज़ाम ने हमारा साथ दिया है, हम सपोर्ट करें ना दें, क्योंकि हम हमारी दुआएं हैं यहाँ पे टीम के साथ। तो पहला सिनारी तो ये था कि भाई इंडिया का, जो कि सुन के मुझे हंसी आती थी, इंडिया ऐसा करने देता भी नहीं, क्योंकि वो टीम बहुत अच्छी चल रही है, अनबीटन साइड है अब तक वर्ल्ड कप की। वो तो साउथ अफ्रीका से भी उसका मैच है और उसके बाद नैदरलैंड से मैच है। तो भाई मैं नहीं मानता था कि वो बाकी के 3 मैच भी हारता। अगर इंग्लैंड वाला मैच हरा भी देता इंडिया को, तो फिर भी कोई चांस बनता नहीं था। अगर आप इंडिया के उससे देखते कि भाई इंडिया हार गया 3 मैच, नहीं हो सकता था। तो इंडिया वाली बात तो साइड पे ही करते, क्योंकि वो वैसे भी जीत चुका है इंग्लैंड से, तो वो बात ख़त्म हो चुकी है। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दो टीम्स, इन दो टीम्स में से कोई एक को फंसना है, या क्या पता दोनों ही फंस जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है वो मौका नहीं देगा भाई। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, जिस तरह से फॉर्म हम लोग वापस लेके आ गए ऑस्ट्रेलिया की, तो भाई अब हमें तो ये लग रहा है कि क्या पता हम इंग्लैंड की फॉर्म भी वापस ले आए, क्योंकि हमारी तो ये आदत है ना कि हमारे प्लेयर्स जो बाकी जो थकी हुई टीम होती है उनको वापस जगा देती हैं, और वो फिर वो ऐसा धन खेलती हैं कि बस आपकी सोच है, सब गवाए, हिस्ट्री गवाए। तो पाकिस्तान के चांसेस ऐसे बनते हैं कि अभी सबके 3 3 मैचेस बाकी हैं, तो अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैचेस 5 5 बाकी थे। अभी आज पता चल जाएगा क्या सिचुएशन है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आगे बड़ी टीम से मैच है, तो ईजी टास्क नहीं है ये अफगानिस्तान के लिए। दूसरी जानब अगर न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका हरा देता है, तो पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो बहाल हो जाएंगे, क्योंकि बाकी के 3 मैचेस बाकी हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। उन इन दोनों टीम्स को बाकी के 2 मैचेस हारने की, कोई भी एक टीम 2 मैचेस हार जाएगी ना बाकी के, तो बात बन जाएगी। क्योंकि न्यूजीलैंड का बांग्लादेश से भी मैच बाकी है, तो अगर बांग्लादेश भी कुछ कर जाए तो क्या ही बात है। दूसरी जानब आप देख सकते हैं नैदरलैंड, नैदरलैंड भी मौजों की दुकान है, उसमें कुछ कर सकती है। तो कुछ भी हो सकता है इस वर्ल्ड कप में। इन सिनारियोज को देखते हुए हमें चाहिए कि बाकी के 3 मैचेस जीतें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, बिल्कुल हो सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान का तो ये हमेशा से रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये बाकी के 3 मैचेस जीत सकते हैं। आसान नहीं है, न्यूजीलैंड से है, इंग्लैंड से बाकी है, इंग्लैंड तो वैसे डाउन हुई है, तो अल्लाह का शुक्र है कि नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का बांग्लादेश से, जो कल मैच है 31 अक्टूबर को, तो कल वाले मैच में पाकिस्तान ही फेवरेट है। तो अल्लाह ना करे कुछ अपसेट हो, अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। दूसरी बात, दूसरा मैच फिर न्यूजीलैंड या इंग्लैंड से होगा। शुक्र है कि इंडिया के बाद कल इंडिया से खेला इंग्लैंड ने, उसके फौरी बाद पाकिस्तान से इंग्लैंड का मैच, क्योंकि वो सारा बदला पाकिस्तान को उतारते, तो अच्छी बात है। बांग्लादेश से मैच है, बाकी मैचेस देखते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड से एक बड़ा मैच था, वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल लेके पहुंच गया सेमीफाइनल में, क्योंकि अब न्यूजीलैंड का मैच है बड़ी टीम से, पहली पहली तो पाकिस्तान है, सही है, और दूसरी साउथ अफ्रीका है। तो न्यूजीलैंड इन 2 मैचेस में फंस सकता है। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे और फिर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हरा दे, तो न्यूजीलैंड फंस जाएगा, फिर रन रेट बात दिखी जाएगी, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड का किसी छोटी टीम से ही मैच होगा। तो चांसेस हैं पाकिस्तान के, तो बॉयज़ से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जीतो, और अच्छे रन रेट से जीतो तो क्या ही बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कल बहुत अच्छा मौका है, अगर पाकिस्तान को चाहिए कि वो अच्छा रन रेट बरकरार रखे अपना, वैसे तो अभी बहुत डाउन हुआ है रन रेट, लेकिन अगर अच्छा रन रेट वो करना चाहे तो वो बांग्लादेश से ही आपके पास बहुत अच्छा चांस है। बांग्लादेश को आप बड़े मार्जिन से हराएं, बाकी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से छोटे छोटे मार्जिन से जीत जाएंगे, तो आपका रन रेट एक अच्छा हो जाएगा। तो चांसेस हैं,
कुछ नहीं कह सकते अभी, क्या पता श्रीलंका पहुंच जाए, क्या पता अफगानिस्तान नहीं पहुंच सकता, तो कुछ भी नहीं कह सकते हम। लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान के सिनेरियोस को डिस्कस कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में से किसी एक टीम को दो मैचेस हारने हैं अपने बाकी के तीन मैचेस में से, जिसका पॉसिबल सिर्फ न्यूजीलैंड का नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाकी इतनी बड़ी टीम से मैचेस नहीं है। आप सिर्फ इंग्लैंड से उम्मीद लगा सकते हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो बाकी तो दो मैचेस तो ऑस्ट्रेलिया के उससे हैं, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, तो वो तो ईजिली मेरे ख्याल में जीत सकता है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, अफगानिस्तान अपसेट कर सकती है, पिछली बार 2022 के वर्ल्ड कप में अपसेट करने वाला था अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन वो बहुत अच्छा मैच था, आपने देखा होगा ग्रुप मैच, तो बहुत ही ज़बरदस्त फाइट बैक करी थी अफगानिस्तान ने। तो अफगानिस्तान थोड़ी बहुत 30% उम्मीद लगा सकते हैं, बाकी 70% तो ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, तो मैं तो कहता हूँ कि 30% भी लगानी चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा ये मैच। बाकी अल्लाह पे तवक्कल, दुआ ही कर सकते हैं हम, और यही बोलेंगे कि भाई अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, वैसे ही हमने उनको एक मैच दे दिया, तो बन सकता है, कुदरत का निज़ाम है ऑब्वियसली, तो देखते हैं आगे जाके मैचेस में क्या होता है। तो उम्मीद लगानी है आपको और दुआएं करनी है मेरी टीम के लिए। चलो नहीं भी पहुंचे सेमीफाइनल, मैं तो कहता हूँ कि डिजर्व ही नहीं करते हम सेमीफाइनल खेलना जिस तरह से हमने क्रिकेट खेली है, क्योंकि विक्रांत गुप्ता ने भी बात बोली कि हम इस तरह की उम्मीद नहीं रख रहे थे पाकिस्तान टीम से कि टॉप फोर में ही ना आ सके वो। चलो हाँ, वर्ल्ड कप मतलब वर्ल्ड कप ना जीत सकेगी, लेकिन टॉप फोर में तो आती पाकिस्तान की टीम। वो भी बेचारे अपसेट हैं कि भाई पाकिस्तान टीम के फैंस को बहुत मायूस किया है पाकिस्तान टीम ने, तो वो भी खुश नहीं है, वो भी इंडिया की आवाम भी इस तरह की उम्मीद नहीं लगा रही थी, तो बहुत सब लोग मतलब समझ लें सरप्राइज हैं पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस से, बहुत सरप्राइज हुए हैं वो। तो अभी पाकिस्तान को चाहिए कि अब वो अच्छा सरप्राइज भी देते। तो भाई हम तो सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे हमेशा, ये सोच के नहीं कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी गई थी वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छा स्कॉट था, नहीं, क्योंकि बकौल इमाम उलग के तो बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, कैप्टन भी बहुत अच्छा है, इमाम उलग तो भाई परफॉर्मेंस देने से उन्हें कोई वो ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है कि परफॉर्मेंस दूँ या ना दूँ, वो तो आते हैं अपना घटिया सा पुल शॉट करके आउट हो जाते हैं। वो ये कहते हैं ना कि एक पोस्ट बड़ी चल रही है कि मैं क्यों परफॉर्मेंस दूँ, मैं तो चीफ सेलेक्टर का भतीजा हूँ, तो इमाम उलग को भी टीम से फारिग कर देना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा नेक्स्ट मैच में फ़खर जमान को मौका दें, क्योंकि अब बहुत रेस्ट करवा लिया उनको, अब उनको भी मौका दे दो, ये चश्मिश को हटा दो भाई, पर्ची को, ये बहुत दिमाग ख़राब हो गया इससे, ये कोई मतलब टेक्निक्स नहीं है इनकी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो ही घटिया शॉट के खेल के आउट जाते हैं, तो भाई ये चीज़ें देखने वाली होती हैं कैप्टन की। लास्ट मैच में क्या हुआ भाई, लास्ट मैच में यही हुआ कि मोहम्मद नवाज को ओवर देना नहीं चाहिए था, जब उसामा मीर एक प्रॉपर टू विकेट टेकर आपके पास था, उसके चार ओवर बाकी थे, तो यार उसको ओवर देते ना, उसका तो कॉन्फिडेंस भी डाउन था। वसीम अकरम भी कह रहा था कि भाई मोहम्मद नवाज के तो शोल्डर से डाउन थे, वो तो शक्ल से ही उसकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी, तो आपको नहीं देना चाहिए था। तो सब सारे फैसले कैप्टन को करने होते हैं, जो कैप्टन हमारा सही फैसले नहीं कर रहा, तो बकाया आप तीन मैच भी जीत जाओ, ये वर्ल्ड कप भी जीत जाओ, तभी मैं बोलूँगा कैप्टन तब्दील होना चाहिए। आप कोई मेहनत भी करो यार, सब तो अल्लाह तो मदद करता ही है, लेकिन कब तक हम दुआओं के सहारे सेमीफाइनल तक पहुँचते रहेंगे भाई? तो भाई दुआएं तो हमारी हमेशा रहती हैं, लेकिन आप कुछ अपना भी तो दिखाओ ना, बहुत दिल के दौरे दे दिए आप लोगों ने भाई, अब हमें भी कुछ खुशी देखने को मिले। हम तो चाहते हैं चलो सेमीफाइनल में ना पहुँचे तो कम से कम अच्छा फिनिश करो, बाकी के तीन मैच जीतो और इज्जत से चलो वापस आओ, कम से कम जिल्लत से वापस ना हो। तो उम्मीद करते हैं बाबर आजम से, उनकी प्लेइंग 11 से, कि ये मैचेस बाकी के पाकिस्तान जीते, और हम दुआएं कर रहे हैं जिस तरह पिछले वर्ल्ड कप में हुआ है, उससे पहले वर्ल्ड कप में होता आ रहा है, तो उम्मीदें तो हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, और हमें तो पता है हमारी टीम परफॉर्मेंस पे नहीं चलती, हमारी टीम दुआओं पे चलती है, और वही दुआएं हैं, और दुआओं से ही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अगर इस वर्ल्ड कप में टॉप फोर में नहीं पहुंच सके तो मैं तो बोलूँगा कि ये तो और अच्छी बात भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छा फैसला किया जाएगा, जिस तरह से ये लोग पिछले 4 साल से बाबर आजम की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चीफ सेलेक्टर किस लिए होता है भाई, चीफ सेलेक्टर साहब ने भी उनकी हिमायत की कि इस तरह के प्लेयर उठा लिए, और मोहम्मद नवाज कहाँ का मैच विनर दिया है, मैं घंटे का मैच विनर है भाई, ये क्या बोलूँ मैं ये ना कसम से मैच विनर जो होते हैं ना वो अलग ही होते हैं, मैच विनर की शलवार का नाड़ा भी नहीं है मोहम्मद नवाज। तो टीम सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, सुनने में आ रहा है कि कैप्टनसी चेंज होने वाली है, तो सरफराज अहमद नज़र आ रहे हैं ओडीआई के कैप्टन। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इमाम उलग किस बेस पे सुनने में आ रहा है कि भाई कि इमाम उलग को टेस्ट टीम का कैप्टन बनाएंगे। अबे भाई उनकी तो यही कहानी है ना, इमाम उलग तो परफॉर्मेंस देते नहीं है, वो तो यही सोच के बैठे हुए हैं कि भाई मैं क्यों परफॉर्मेंस दूँ, मैं तो चीफ सेलेक्टर का भांजा हूँ, मैं क्यों परफॉर्मेंस दूँ, तो उनकी तो बातें हैं बस। एक दूसरी तरफ हसन अली बॉब भी कर लेगा, किंग कर लेगा, अबे
सकता है, मतलब के लिए, हर कोई मतलब के लिए यार। वहाँ शाहिन शफी कहते हैं खबरदार भी किसी ने खुद ही कोई और कैप्टन बनेगा, इतने ना उठाओ कि जरूरत से ज्यादा ही भारी पड़ जाए और हाथ ही खिंच जाए तुम्हारे। शाहिन शफी के भी हाथ खिंच गए थे ना बीच में उठा उठा के, अभी तो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। प्लेयर्स इतने नहीं ना उठाएं अपने कैप्टन की भाई, कि अपने पैर उठाने की मतलब हैसियत ना रहे, आपने आपके हाथ ही ढीले पड़ जाएं फिर, मतलब इतने उठाओ कि बाय से बायसे बने, इतने ना उठाओ कि हाथ ढीले पड़ जाए, तो भाई पूरा ख्याल से। तो बहरहाल बहुत बातें करनी, उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर होगा और पाकिस्तान सेमीफाइनल पे पहुंच जाए तो क्या ही बात है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।